प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को सुबह राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित भगवान श्रीराम के मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीराम, माता जानकी, हनुमान जी और शिव जी की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के चहुंमुखी विकास और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत ही चुनौती भरा है। आज हम भगवान राम के दरबार में उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि इसको 5 साल ठीक से निभा पाए, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाए, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। यही भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी से प्रार्थना है। क्या मनोकामना मांगी? कल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और ये मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत चुनौती भरा है। और आज हम भगवान राम के दरबार में आए थे उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाए, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाए, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए, यही भगवान श्री राम जी से, माता सीता से, हनुमान जी से मतलब निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं। और छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका आशीर्वाद रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन सुखमय हो। अकेले शपथ लेंगे कि मंत्रिमंडल में शपथ लेगा? अब आज एकदम तय हो जाएगा कि शपथ कब हो रहा है, ये पूरा हम लोग प्रयास में हैं और बहुत जल्दी जानकारी हो जाएगी। 13 तारीख को भी हो सकता है जी।